CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मोगा जिले को साफ सुथरा बनाने के लिए मोगा जिले की समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं और शहर वासियों को आ रही समस्याओं को हल करने में भी अपना योगदान डालने के लिए बीती देर शाम मोगा की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के आगुओं ने मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें मोगा शहर को साफ सुथरा बनाने और मोगा जिले को प्लास्टिक से मुक्त करने पर विचार किया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने इसकी शुरुआत 3 नवंबर को की जीटी रोड से शुरू करने का ऐलान किया। मोगा जीटी रोड के डिवाइडर को साफ कर उसमें रंगदार फूलों के पौधे लगाने और उसे सुंदर बनाने की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि शहर की सुंदरता के बारे में जीटी रोड से उछलता है कि अंदर शहर कितना साफ और सुंदर होगा। वहीं शहर में ट्रैफिक और आवारा पशुओं के बारे में भी चर्चा की गई। इस मौके पर वर्ल्ड कैंसर केयर के ग्लोबल एम्बेसडर कुलवंत सिंह धालीवाल ने शहर को सुंदर बनाने के लिए 3000 पौधे देने का ऐलान किया, ताकि शहर के वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। वहीं हर रोज आवारा पशुओं के कारण सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए ये भी कहा गया कि पशुओं को चर डालने वाले लोग पशुओं को सड़कों पर चारा ना डालें और उसको किसी गौशाला में दे, ताकि आवारा पशु सड़कों पर ना फिर सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्लास्टिक मुक्त होगा तो इसकी शुरुआत पहले घर से करनी होगी। और वहीं इस मौके पर दविंदर सिंह रम्मी, नवीन सिंगल, ग्रेट पंजाब संजीत सिंह सन्नी ने भरोसा दिया कि वो मोगा शहर को पंजाब का पहला सुंदर शहर बनाएंगे। आज की जी मीटिंग मोगे के सारिया समाज सेवी संस्थावां की डिप्टी कमिश्नर मोगा नाल की गई थी। उदा कारण एको ही सी कि असी सारिया संस्थावां अपने अपने लैवल पर बहुत वधिया काम कर रही हैं। डीसी साहब की इच्छा सी कि सारिया संस्थावां नूं इकट्ठे करके सोहना मोगा बनाने वास्ते काम किया जाए। अज की मीटिंग से सबनों इकट्ठे करन दी ज़्यादा सी, सोल्यूशन कढ़न दी घट सी। हुण जिवें अज पहले ही मुद्दे ते निकलिया कि जो साडी जीटी रोड जा रही है, ये जिहड़ी सेंट्रल वर्ज आ, इहदी सफाई सारे NGO करके इकट्ठे होकर 1 तरीक नूं करनगे। उस तो बाद जिहड़ा अगला प्रोग्राम दिता जाऊगा, इहदे नाल उत्साह वधिया वा, सारे लोगों नूं समझ लगी आ, ते असीं प्रण भी किया कि असीं इकट्ठे होकर काम करांगे। डीसी साहब ने इहदे बारे अपना विचार दिता कि चौंक जोगिंदर सिंह जो अपना हुंदा सी, अजकल पुल बन गया, उत्थों डीसी साहब आप इसकी शुरुआत करनगे। जिहड़ियां उत्थे इनक्रोचमेंटां उहनूं पासे कराउणगे, जिहड़ियां बसां शहर दे विच्चों दी लंघदियां उहनूं बस स्टैंड दे उत्ते खड़ियां होणगियां, बस स्टैंड तों सवारी बैठूगी। उत्थों लै के अपना इक वारी जिहड़ा वा कोटकपुरा बाईपास तक शुरुआत की जाऊगी, अगे फिर नैक्सट प्रोग्राम दिता जाऊगा। असीं जिहड़ी सब तों वड्डा अपना जिहड़ा काम आ, असीं लोक हमेशा संघर्ष करदे हां अपने हक्कां वास्ते, असीं अपनियां जिहड़ियां ड्यूटियां उह निभाउण तों ग्रेज करदे हां। जे शहरी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, असी अपना काम आप करांगे। जे मेरे सामने कागज़ डिगया पाया, मैं चक के डस्टबिन में सुट दूंगा, तो वह दिन दूर नहीं कि असी सारा जो मोगे नूं सोहना बना लेंगे। ठीक, ये जिहड़ा समाज सेवी संस्थावां नाल मीटिंग की गई है, ये शहर के जिहड़ियां प्रॉब्लम्स महसूस की जा रही है, कुछ तो डिवेलपमेंट के अधूरे कामों के कारण जिहड़ियां पैदा हुई हैं, और कुछ जिहड़ा कुछ गैर जिम्मेवार लोगों के गलत वतीरे नाल, गलत जिहड़ियां प्रैक्टिसेस नाल जिहड़ी शहर च गंदगी फैल रही हैगी, या ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, या इनक्रोचमेंट बढ़ रही हैगी, या पानी की वेस्टेज की प्रॉब्लम है। सो एजेंडा ये सी कि इन सारियां नूं जिहड़ा है एक अंबरेला के थले लिया के एक बारी इन्हां नाल विचार विमर्श करके भी की आपां हर वारी एनफोर्समेंट जिहड़ी हैगी है वह फाइन करना या चलान कट्टना या परचा देने नाल ही हो सकती हैगी, कि आप समाजिक तौर पर इन्ने आपस इकट्ठे नहीं है कि जेकर गुआढ़ी दूसरे गुआढ़ी नूं कहे कि पॉलीथिन की वरतों ना करो या कूड़ा जिहड़ा है बाहर ना सुट्टो, कि यह NGOs क्योंकि जिहड़ियां कि ग्रासरूट लैवल से काम करदियां है, इन्हां दे इन्ने वॉलंटियर ने, कि ये अपने वॉलंटियर राही लोगों नूं इन्ना अवेयर नहीं कर सकदियां। सो ना ही कल्ला अवेयर करनी, कुछ जिहड़ियां हैगियां समस्यावां वो जे मेरे घर के बाहर जो सफाई की गल है तो वो दे लई मैं जिम्मेवार होना चाहिए। मेरे घर के बाहर कोई झाड़, कोई बूटा, कोई वाधू उगया हुआ है, मेरी फर्ज बनता है कि उन्होंने कट दिता जाए, साफ कर दिता जाए, ताकि मेरे घर की लुक जी है वो उत्थे भी जो रस्ता है वो लुक जी साफ हो। सो सारे का एक नैतिक फर्ज है, जिम्मेवारी बनती है कि
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਕੀ ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਈਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ SL ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਸੋ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।